कौन कहता है कि मौत सिर्फ जिस्म की होती है? मौत तो सपनों की, रिश्तों की और उम्मीद की भी होती है। गेहूं का दाना भी तो जब जमीन में डाला जाता है तो पहले सड़कर मरता है और फिर बहुत सारा फल लाता है। आज तू भी शायद मरा सा हो, अधलोक के कुंड में गिरा सा हो। मरकर दफन हो चुकी हूं तेरी बरकतें, और मेल मिलाप हो चुका हो तेरा अनर्थ से। जिंदा हो जाएंगी तेरी उम्मीद और तेरे सपने, खुदावन याशुआ की मृत्युंजय सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य। प्रेज लॉर्ड, दिस इज एंजल, और एक बार फिर मृत्युंजय सामर्थ्य के इस एपिसोड में आप लोगों का वेलकम है। और एक बार फिर मैं अपनी जो लास्ट टाइम जो मैंने शिक्षा दी, ये पार जाने के ऊपर, आंधी और तूफानों के ऊपर, परखे जाने के ऊपर, उसी शिक्षा को मैं कंटिन्यू करूंगा। और मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं मरकुस में से एक बार फिर। ये प्रचार वो नहीं होगा, जब आप सुन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कुछ नई बात होगी इसमें और आप जरूर आशीषित होंगे, ठीक है। मरकुस 4:35-41, ठीक है। यहां लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, राइट? यीशु मसीह की इच्छा आप लोगों के लिए पता है क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि आप पार जाएं। एक बार फिर कुछ सामर्थ्य सीखने आ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे और आत्मिक कानों को खोल दे, और मेरी होठों पे ऐसा मसा, ऐसा अभिषेक दे, और आपको भी वो मसा और अभिषेक दे कि आप कुछ नया, कुछ सामर्थ्य, कुछ अद्भुत सीखें। आमीन, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की इच्छा आपके लिए है कि आप जहां से शुरू हुए हैं वहां पर खत्म ना करें। आप जहां हैं वहीं के वहीं ना रहें। आपने जब यीशु मसीह को जीवन दिया, आप मूर्ख होंगे, आप नाकाबिल होंगे, आप रिजेक्टेड होंगे, आप रिजेक्शन वाले जोन में होंगे जहां आपको सब कोई रिजेक्ट और रिजेक्ट और रिजेक्ट ही करता रहा होगा। लेकिन पता है आपको, प्रभु आपको रिजेक्शन के जोन से इलेक्शन के जोन में लेके जा रहे हैं। यहां लोगों ने आपको सिर्फ रिजेक्ट किया, आप नाकाबिल थे, आप किसी लायक नहीं थे, आपका हंसी ठड्डा बनाया जाता था या आपको लाइटली जाता था हल्के में। लेकिन जब यहां पर प्रभु को अपना जिंदगी दी, प्रभु को अपना जीवन दिया, आपको पता है कि जब ये विश्वास की दौड़ में, विश्वास के जीवन में आप जब चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो आपको पता है उस पार आपके लिए क्या रखा हुआ है। यहां अगर रिजेक्शन है तो उधर इलेक्शन है, वहां पर लोग आपको इलेक्ट करेंगे, यहां पर लोग आपसे दूर भागते हैं या आपको रिजेक्ट करते हैं, वहां आपके पीछे लोग भागेंगे, लोग आपको चाहेंगे, क्योंकि प्रभु आपको पार ले जाना चाहता है। आपका पार जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस किनारे पे हैं, इस किनारे पे आपकी जिंदगी में लानते हैं, श्राप हैं, दलिद्र है, रिजेक्शन है, इनसिक्योरिटीज हैं, और बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन यीशु मसीह की आपके लिए भली इच्छा पता है क्या है? यीशु मसीह के पास आपके लिए उत्तम इच्छा या योजना क्या है? वो आपको यहां नहीं देखना चाहते, वो आपको यहां से वहां देखना चाहते हैं, उस किनारे पर जहां सब कुछ अलग है, जहां सब कुछ डिफरेंट है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम उस पार जाएंगे तो पता है क्या होता है? मैं जबकि आंधी और तूफान के बारे में बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, और मैं फिर बताऊंगा कि ये बीच में आंधी तूफान आता है, यानी कि आपका अपोजिशन, आपको पता है ये अपोजिशन हमारा बेहद जरूरी है। मैं फिर बताऊंगा, ये अपोजिशन बेहद जरूरी है। मैं आपको बहुत पहले की बात बताऊंगा, बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूं करीब 15 साल पहले की बात होगी। मैं एक गेम को खेला करता था कंप्यूटर पे, और मैंने उस गेम को किसी को खेलते हुए देखा था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने भी उस गेम को खेलना, मैंने कहा मैं इस गेम को खेलता हूँ, इस गेम को खेलने की कोशिश करी मैंने। वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने खेला, तो 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ता हो गया, 25 दिन हो गए, मैं जहाँ पर था वहीं के वहीं रहा। मैं एक मिशन भी उस गेम का पूरा नहीं कर पाया, एक हफ्ते भी, एक महीने में मैं एक जगह था वहीं के वहीं रहा। समझ में नहीं आया ये मिशन कैसे पूरी करूँ। फिर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था और हम लोग खेल रहे थे, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा, मैं उसके घर पे था और जब हम ये गेम को खेल रहे थे तो
समझ में नहीं आया कि ये गेम हम कैसे चलें। तो अचानक से उसने एक बटन को प्रेस करा, तो जैसे ही बटन को प्रेस करा तो एकदम से मैप खुल गया, और मैप अब हमें डायरेक्शन बता रहा था कि आप जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो इस डायरेक्शन में वो मिशन है जो आपको असाइनमेंट को, अपने मिशन को पूरा करना है, जहाँ आपको जो एनिमी है उसकी टेरिटरी में घुसना है, और आपको ऐसे ऐसे या तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है उसे डिफ्यूज़ करना है या कुछ और, आपको इस तरीके से मिशंस थे वहाँ पर जो आपको करना है। वो जब करने की कोशिश करी तो पता है क्या हुआ कि हमने इसको करा, और अब मैप को जब हम फॉलो करके चलने लगे, जब मैप को फॉलो कर रहे थे तो पता है क्या हुआ, जो अभी तक एक महीने में कभी नहीं हुआ था जो मैं उसे खेलने की ट्राई कर रहा था, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने आर्मी को, जो एनिमी था, दुश्मन की सेना को, दुश्मन के लश्कर को अपनी तरफ आते हुए देखा, और अब मुझे उसे शूट करना था, और मैं शूट करना मैंने शुरू कर दिया, और पहली बार मुझे पता चला और मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई में इस गेम को खेल रहा हूं। मैं एक महीने तक खेलता रहा सोच के देखिए, और उस एक महीने में अभी तक मेरा एक भी दुश्मन से सामना नहीं हुआ, लेकिन पहली बार अब मैं किसी दुश्मन से, किसी एनिमी से मेरा क्या हो रहा है, मेरा इनकाउंटर हो रहा है। आपको तो पता है कई लोग, मसीह लोग ऐसे ही हैं, ऐसी ही मसीह जिंदगी को, मसीह जीवन को जी रहे हैं, उनका एक भी कभी विरोध नहीं होता, उनकी जिंदगी में कोई अपोजिशन नहीं है, कोई आंधी कोई तूफान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो अभी तक कंफर्ट जोन में, और वो अभी इसी पार हैं, वो तो अभी बीच में गए ही नहीं है, कोई आजमाइश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक जैसे उन्हें उस पार जाना चाहिए था, नहीं, वो अभी यहीं खड़े हुए हैं, किनारे पे खड़े हुए हैं। और इसलिए अभी तक आप ध्यान रखिएगा, जब भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे उसका सबसे बड़ा सबूत पता क्या है? आपकी खिलाफत होगी, आपका विरोध होगा, शैतान आपकी खिलाफत करेगा, आपके लिए वो टफ टाइम को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल देता हूँ। एक बहन थी, उसने कहा मुझे ब्रदर बपतिस्मा लेना है। तो उस बहन को जब बपतिस्मा लेना था तो पता है क्या हुआ कि मैंने उसे बैप्टिज्म की पूरी टीचिंग दी, और उसके बाद जब हम बैप्टिज्म के लिए उसे लेकर जा रहे थे तो बिल्कुल हम लोग नहर के किनारे पे गए हैं, और एकदम से फोन आना शुरू हो गया मेरे पास, बड़ा बार 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 बार, और मैंने कहा पता नहीं क्यों आ रहा है। फिर मैंने जब ऐसे करके रिसीव करा उसे तो पता चला कि मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया। सोच के देखिए, हम बिल्कुल पानी में उतरने वाले, उससे पहले मेरे पास फोन आ गया और पता चला कि मदर का एक्सीडेंट हो गया। मैंने हैं, मैंने कहा आ रहा हूँ मैं ऐसे करके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को ज़्यादा खाने, हाथ में चोट है, थोड़ा फ्रैक्चर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम आते हैं। और इधर वो फ़ोन कटा, और इधर जो मेरी वाइफ है उसके बाद उसके पास बार 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 फ़ोन आना शुरू हो गया। उसके पास जैसे उसने रिसीव करा, उसके घर से फ़ोन आया कि उसकी मदर की शुगर बहुत हाई हो गई है अचानक से, और बहुत ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हो गई है, और वो शायद वहाँ से रो हो रही थी तो एकदम से वो भी क्या कहते हैं घबरा गई। मैंने कहा घबराने वाली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा काम होने वाला है इस बहन की ज़िंदगी में, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अचानक से फ़ोन बज रहे। हम पानी में भी उतरे नहीं है क्योंकि शैतान चाहता मैं ऐसी छोड़ के ऐसी भाग जाए। मैंने शैतान से बोला देख बपतिस्मा तो होगा, और ये बहन खुदावन यीशु के नाम में इस बपतिस्मे को लेके उसे पहनने जा रही है, और तू इसे नहीं रोकेगा, नहीं रोक पाएगा। वो बपतिस्मे हुए और मैंने इस बात का ऐलान करा, हम अपने अपने घरों पर जब जाएंगे, हम अपने घरों पर जा रहे हैं, हम सबको ठीक से पाएंगे अपने अजीज़ों को। हमने उस बपतिस्मे को करा, और उसके बाद जब हम घर पहुंचे हमने सबको बिल्कुल सुरक्षित और सलामती के साथ पाया, और बहुत जल्दी मेरी मम्मी की भी रिकवरी हुई, और क्या कहते हैं जो मेरी वाइफ है उसने भी अपनी मदर को ठीक से पाया। ऐसे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा, ये बहुत हज़ारों एग्जाम्पल्स में से मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यानी कि खिलाफत वहाँ होती है, विरोध वहाँ होता है जब आप उस पार जा रहे हैं जहां आपके लिए कुछ जबरदस्त, कुछ बहुत सामर्थ्य, कुछ बहुत पावरफुल रखा हुआ है। जैसे मैं उस गेम का आपको एग्जांपल दे रहा था कि वो गेम तब तक सेफ है और तब तक मेरा किसी भी दुश्मन से क्या नहीं होगा, इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक मैं गलत रास्ते पे हूं या भटका हुआ हूं या मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं जिस तरफ मेरा एनिमी से इनकाउंटर हो सकता है। मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मैं उस तरफ बढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं हमेशा उस तरफ जा रहा हूं जहाँ सब कुछ आसानी से है, इजी है,
कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक बहन, उसको मैंने बाइबल स्टडी दी, और जैसी जिस दिन वो मुझसे पहली बार मिली, वो प्रभु को 3-4 साल से जानती थी, और मैंने उससे बोला कि, मैंने कहा तुम 3-4 साल में सिर्फ प्रेज द लॉर्ड करना जानते हो, जीसस इज गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा प्रभु आपको यहाँ तक नहीं देखना चाहता, मैंने कहा प्रभु, ये मुझे प्रभु का आत्मा बोल रहा है, मैं आपको यही बोलूंगा कि प्रभु चाहता है अब आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाओ, प्रभु आपको एक नेक्स्ट लेवल पर देखना चाहता है, यहाँ जहाँ पर हो अभी तक 3-4 साल से वहाँ नहीं, वहाँ से अलग। अरे अच्छा हाँ, तो मैंने कहा हम लोग कुछ स्टडीज़ करेंगे, मैं तुम्हें कुछ डिसाइपलशिप बताऊँगा, कुछ और कुछ मैच्योर स्टडीज़ दूंगा प्रभु के कलाम में से, खुदा उनके कलाम में से। मैंने उसे डिसाइपलशिप के बारे में और खुदा उनके और कलाम के बारे में से टीच करना शुरू करा। आप यकीन मानिएगा, अभी तक उस लड़की की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ कूल है, सब कुछ बढ़िया है। और पता क्या हुआ, जब उसने इन सीरियस टीचिंग्स को, जो बहुत सामर्थ्य टीचिंग्स थी, इनको लेना शुरू करा, जो इस वक्त आप लोग भी सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब उसने इन्हें लेना शुरू करा, तो पता है क्या हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा, उसका उसके घर पे झगड़ा शुरू हो गया होना, कलिग्स के साथ उसकी पटनी बंद हो गई, और कलिग्स उसके साथ, उसके जो काम करने वाले कलिग्स थे, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने लगे, उसको अजीब सी एलर्जी हो गई, उसका वेट अपने आप लॉस होने लगा, और इसके अलावा वो कहाँ अपने ऑफिस में अच्छा खासा काम कर रही थी, अब उसे बार बार आउट ऑफ स्टेशन भेजा जा रहा था। और वो, मैं सच बताऊँ, इधर उसकी बाइबल स्टडी शुरू हुई, और पता है उससे इतना शैतान ने बिजी करने की कोशिश करी, और इतना ज़्यादा उसे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया, इसे इतना ज़्यादा, आप सोच के देखिए, उसे इतना थका दिया और उसकी एनर्जी को ख़त्म कर दिया, कि वो बाइबल स्टडी में उसने कहा मैं नहीं आ पा रही, क्योंकि उसे अब टाइम ही नहीं मिल रहा, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वेट लॉस हो रहा है, एलर्जी हो गई, झगड़े हो रहे हैं घर में, ऑफिस में जहाँ वो काम कर रही है वहाँ झगड़े हो रहे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने कहा पता है क्या हो रहा है, नहीं, मैंने कहा अब तुम वो सीख रही हो जो तुम्हारी असली क्रिश्चियन फाउंडेशन है। वो गैर मसीह परिवार में से थी, है। मैंने कहा अभी तक तुमने कभी वो नहीं सीखा और ना सुना, मैंने कहा लेकिन अब तुम वो सीख रही हो और वो सुन रही हो जो आज तक तुमने ना कभी सुना और ना कभी सीखा, और जो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ फाउंडेशन बनी रहेगी। और ये जरूरी है कि खिलाफत इसी बात का सबूत है कि तुम उस पार जा रही हो। उसे समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। उसके बपतिस्मा लेने से पहले बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत अपोजिशन आया, ये एक स्पिरिचुअल वारफेयर था, बहुत खिलाफतें आ रही थी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, उसका बपतिस्मा हुआ, खुदा उनमें आज वो बिल्कुल चंगी और तंदुरुस्त है, खुदा उनमें हेल्दी है, फाइन है, वो उस जोन में चली गई पार होकर। अभी तक वो हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड तक सीमित थी, आप समझ रहे हैं इस बात को। और लेकिन प्रभु आपको अब यहाँ तक नहीं देखना चाहते, प्रभु चाहते हैं आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। जब प्रभु कुछ सामर्थ्य चीज़ों को सिखाएगा, कुछ सामर्थ्य शिक्षाएं देगा, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ पावरफुल देगा, तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद प्रभु आपको उसके लिए तैयार करे। तो ये ज़रूरी है कि आप शैतान आपको आजमाए। मैं सच बता रहा हूँ, आप उस प्लेयर की तरह मत बनिए वीडियो गेम में, जो सिर्फ भटका हुआ और इधर से उधर जा रहा और अपने उस मिशन को पूरा नहीं कर रहा, उस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर रहा जिसके लिए वो चुनाया गया और बुलाया गया है। और ना ही उस प्लेयर की तरह बनी है जो अपोजिशन आ रहा है, आजमाइशें आ रही हैं, पर वो डर के भाग गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये विरोध बहुत जरूरी है। मैं बताऊं आपको यीशु मसीह की एक खूबसूरत बात को बताता हूं, जो मरकुस में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन की गई है। और मरकुस 4 में अगर आप पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा, मरकुस 4 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थीं, पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तो यीशु मसीह, लिखा है, वे आप जो नाव के पिछले भाग पर थे वहां पर गद्दी पर सो रहे थे। दिस इज द ऑसम थिंग। यीशु मसीह का जो सर था वो तकिए के नीचे था, गद्दी थी लगी हुई। और ये जब आप इस विरोध से, इस वारफेयर से गुजरे, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है
के वो गद्दी जो है ना, वो जो तकिया है वो आपके सर के नीचे लगा हो, क्योंकि आप सर को सिर्फ ऐसे ही रख के सो जाओगे तो ये फर्श जो है ना ये आपके चुभेगा, लेकिन जब गद्दी लगा लोगे तो यहां कंफर्ट रहेगा। इसलिए ये एक ही नाव में यीशु मसीह भी थे और चेले भी थे। चेले बहुत डर रहे थे पर यीशु मसीह तो कूल होकर सो रहे थे, क्यों? गद्दी पे सर था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? सर यानी उनके थॉट्स, यानी उनके विचार, वो सेफ था, वो कंफर्टफुल था, वो पूरी तरीके से क्या था, कंफर्ट जोन में था, वो चुभ नहीं रहा था फर्श। आप समझ रहे हैं इस बात को? यहां पर यीशु मसीह के पीस थी, उनके मन में, उनके जहन में शांति थी। उन्हें पता था ये नहीं डुबा सकता, ये तो मेरे लिए लिखा है। तू अगर जल में होकर जाए पर वो तुझे डुबा नहीं सकती, तो नदियों में से होकर जाएगा, जल तुझे डुबा नहीं पाएगा। प्रभु को पता था ये वचन, ये वायदा उनके लिए है। खुदा उनको पता था ये पानी की क्या विसात है, ये मुझे डुबा देगा, नहीं डुबा सकता, ये तो मेरे लिए लिखा हुआ है, मुझे नहीं डुबा पाएगा। यही यीशु मसीह के इस वक्त दिमाग में चल रहा था। गद्दी लगने का मतलब जानते हैं? लिखा है उद्धार की आशा का टोप पहन लो, अपने सर को सेफ कर लो, क्योंकि दुष्ट शैतान जो हमला करेगा वो कहां करेगा? इधर करेगा, यहां से आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके पास्ट में आपको घसीटेगा, जिसमें से आपको निकलने की जरूरत है। आपके 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 जो फेलियर्स रहे हैं उनको बार बार आपको रिमाइंड करवाएगा, फ्यूचर की चिंता इतनी लेकर आएगा, कुछ नहीं होगा, कैसे बच्चों का एडमिशन होगा, तेरे पास कोई अर्निंग नहीं है, या ये हो गया तेरी जॉब चली गई, या कैसे होगा, कैसे होगा, ये शादी कैसे करेंगे, एडमिशन नहीं हुआ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने यहां पर इतना कुछ गलत इमेजिनेशंस ले आया, शक लेके आ गया, बहुत सारी चीजें लेकर आ गया, और यहां अब आपको ये फर्श जो है चुभ रहा है। आप शायद लेट तो गए इस नाव पर पता है इसका फर्श चुभ रहा है, यानी कि ये आपके थॉट पे अटैक कर रहे हैं। आपके आपका सर जो है ना उसमें भी गद्दी नहीं लगी हुई, आपका जो सर है ना वो अभी कंफर्ट जोन में नहीं है, अभी आपका जो सर यानी आपके थॉट्स, आपके विचार हैं वो रेस्टलेस हैं पूरी तरीके से। लेकिन यीशु मसीह ने गद्दी लगा रखी थी। गद्दी लगाने का मतलब जानते हैं? वो यहां पर आराम, यहां पर उनके आराम था, क्योंकि असली आराम हमें यही चाहिए, हमारे थॉट्स में, हमारी फीलिंग्स में, हमारे इमोशंस में, हमारे इमेजिनेशंस में। शैतान गंदे से गंदा सुचवाएगा, वो बड़ी से बड़ी चिंता को, बोझ को लेकर आ जाएगा और आपको लगेगा शायद कुछ नहीं हो सकता। तो यहीं पर हमें असल में क्या होने की जरूरत है, हमें यहीं पर, यहां पर हमें जरूरी है कि हम प्रभु को जिंदगी, हमें जरूरी है यहां पर कि हम यहां पर अपने विचारों को सुरक्षित रखें। शैतान जो भी सुचवाता है हम उसे परमेश्वर के वचन को क्या करवाएं, रिमाइंड करवाएं। शैतान शायद यीशु मसीह के दिमाग में ये लेके आ रहा होगा कि आंधी तूफाने नाव पलट सकती है, लेकिन पता है प्रभु यीशु शैतान को क्या रिमाइंड करवा रहे थे? मुझे पार जाना है, और उस पार जो आदमी है ना जिसमें पूरी सेना बैठी हुई है दुष्ट आत्माओं की, उसे देख निकालूंगा जाके। प्रभु सिक्योर थे यहां पर, उन्हें पता था मुझे क्या करना है पार जाके। शैतान आपको यह सोचवाने की कोशिश कर रहा होगा कि अभी आप बीच में यहां पर नाश हो जाओगे, आप उसे उल्टा शैतान को बताओ कि आप उस पार क्या करने वाले, उसे अपना असाइनमेंट बताओ, उसे अपना मिशन रिमाइंड करवाओ, आप बताओ उसे। वो आपको बता रहा है बीमारी तुझे नाश कर देगी, बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, उसे बताओ नहीं मैं तंदुरुस्त और चंगा होऊंगा और मैं यीशु मसीह की गवाही दूंगा। वो आपको दिमाग में सुचवाने की कोशिश कर रहा है बहुत कुछ, लेकिन प्रभु ने गद्दी लगा रखी थी। जब वो प्रभु जा रहे होंगे ना, और जब वो आंधी और तूफान आ रहा होगा, लहरें नाव में आ रही हैं, लहरें जो है पानी उसका नाव के अंदर आ रहा है, तो प्रभु पता है शैतान को ये सुचवा रहे थे, पता है शैतान प्रभु को सुचवा रहा होगा, डूबेंगे, पलट जाएगी, पता है प्रभु ने गद्दी लगा रखी थी, यानी यहाँ आराम था। प्रभु क्या सोच रहे थे? प्रभु उस वादे को रिमाइंड कर रहे थे, तो पानी में से होके जाएगा, नदियों में से होकर जाएगा, गहरे में से होके जाएगा, पर तुझे वो डुबा नहीं पाएगा उसका जल, वो पानी, ये वचन में लिखा है ना, चाहे समुंदर गर्जे और अपना फैन उठाए, और चाहे पहाड़ भी उसमें क्या हो जाए, समा जाए, तब भी वो नहीं डरते, तब भी मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा, अपना याद नहीं छोड़ूंगा। प्रभु के अंदर ये विचार चल रहे थे, उन्हें पता था ये सब तो मेरे लिए लिखा हुआ है। इसे कहते हैं गद्दी को लगा लेना अपने सर पे, यानी आपके विचार क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। अभी सुरक्षित नहीं है,
अभी वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, वो पूरी तरीके से इनसिक्योर है। इसलिए लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में अपने प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के सहित क्या करो, परमेश्वर के सामने उपस्थित करो, तब परमेश्वर की वो शांति जो समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हृदय और विचारों को सुरक्षित कर देगी, प्रोटेक्ट कर देगी। प्रोटेक्ट उस चीज को किया जाता है जो वाकई में बहुत कीमती होते हैं। आपके विचार, आपके इमेजिनेशन बहुत ज्यादा कीमती हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर आपकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल किसी को करना हो तो ध्यान रखिए, आपकी शरीर कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, अगर आपके सर पे एक चोट लग गई तो आपका पूरा शरीर खराब। शैतान को जब किसी को भरमाना हो, खराब करना हो, बर्बाद करना हो, या किसी को अपने कंट्रोल में रखना हो, वो कहीं नहीं, वो यहां अटैक करेगा सर पे, यानी दिमाग, यानी विचारों पे। जो यहां से उसके कंट्रोल में आ गया, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, उसके कंट्रोल में आ गया। इसलिए वारफेयर शुरू कहां से होता है, वो यहीं से होता है, विचारों से, थॉट से, इमेजिनेशन से। इसलिए अगर आज आपके विचार, आपके थॉट्स, आपके इमेजिनेशन सुरक्षित नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो क्या दिक्कत हो रही है पता है? आपने शैतान को पूरा पूरा मौका दे रखा है। जब खुदावंद मेरी सेवकाई को एक दूसरे चरण में, एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रहे थे, मैं आपको सच बता रहा हूं, कभी मेरा पैर जल रहा था, कभी मेरी आंखों में एलर्जी हो गई, कभी मुझ पर बहुत बड़ा मेरे को फ्लू हो गया, मतलब नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ हो रहा था। और मैं आपको सच बताऊं, एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी जब बदरुओं को निकाला, मतलब यीशु मसीह ने मुझ में होकर, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी मेरी खिलाफत हुई आत्मिक जगत में। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत खिलाफत में होनी शुरू हो गई। एकदम से ऐसा लगा ये हो क्या रहा है खुदावंद, इतनी आजमाइश, इतनी परीक्षा, कभी कुछ हो रहा है, एक चीज़ खत्म हो रही थी तो दूसरी चीज़ शुरू हो रही थी, दूसरी चीज़ खत्म हो रही थी तो तीसरी चीज़ शुरू हो रही थी, तीसरी चीज़ खत्म होती थी तो चौथी चीज़ शुरू हो जाती थी। मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। एक लड़का तांत्रिक विद्या में लिप्त था, उसमें से बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, बहुत सारी बदरुएं मैंने निकाली, और फिर नॉन स्टॉप मैं ऐसी चीज़ें आई और मैं उन चीज़ों को निकालता गया, वो चीज़ें निकलती रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और होते 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 मैं आपको सच बताऊँ, मेरी उतनी ही खिलाफत होनी शुरू हो गई। कभी मैं बीमार पड़ने लगा बहुत ज़्यादा, कभी कुछ और रगड़े झगड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई, जो मैं आपको सच बताऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम से ऐसा हो गया, खुदा मुझे ये हो क्या रहा है प्रभु, ये हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, प्रभु ने शैतान को फिर लज्जित करा, और जो आंधी तूफान वो मुझे डुबाने के लिए लेके आ रहा था, वही आंधी तूफान मुझको उस पार लेकर गया। आपके अंदर उसने ऐसी चिंता, ऐसे बोझ डाल दिया, आपको लगता है इसका कुछ सलूशन नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला, मेरी सेफकाई कभी नहीं बढ़ सकती है, मेरा परिवार कभी ब्लेस नहीं हो सकता, मेरी मैरिड लाइफ तो और बदतर होती जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है, मेरे बच्चे बिगड़े होके बिगड़े रहेंगे, ये कभी पनपेंगे नहीं, मेरे पास कोई होप नहीं है। यही तो शैतान सुचवा रहा है आपको, कभी मेरे बटुए में पैसे नहीं रहने वाले, कभी मेरे बैंक अकाउंट में कभी कुछ पैसा नहीं रहने वाला, यही तो शैतान आपको सुचवा रहा है शायद आज। जरा रिमाइंड करवाओ, आज इस गद्दी को लगाओ। अगर शैतान आपके दिमाग में ये डाल रहा है कि तू हमेशा गरीब रहेगा, जरा बताओ कि मैं मसीह यीशु में इब्राहिम की आशीषों का वारिस हूँ, शैतान तू मुझे फकीर या गरीब नहीं बना के रख सकता। अगर वो आज आपको बता रहा है कि तू गरीब का गरीब रहेगा, तू कंगाल का कंगाल रहेगा, या तू हमेशा इसी तरह बीमार कमजोर रहेगा, ये बीमारी रोग तेरे अंदर रहेगी, उसे बताओ मेरे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, और उसने मेरे रोग और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, और उसने जगत के निर्बलों को चुना है कि वो बलवानों को लज्जित करे। तो मुझ निर्बल के द्वारा परमेश्वर उन सामर्थ्य और बलवान दुष्ट आत्माओं को लज्जित करेगा जो अभी मुझे सता रही हैं। मैं निर्बल हो सकता हूं इस वक्त, वो दुष्ट आत्मा बलवान हो सकती है इस वक्त, वो कैंसर बलवान हो सकता है इस वक्त, वो एड्स इस वक्त बलवान हो सकता है, वो हेपेटाइटिस इस वक्त बलवान हो सकता है, लेकिन मुझ निर्बल के द्वारा परमेश्वर उसे लज्जित करेगा। जरा आज इन चीजों को सोचना शुरू कर दो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आज जरा सोचो इन बातों को। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है कि उनके द्वारा बलवानों को लज्जित करे। ये कंगाली बड़ी बलवान हो सकती है, ये शायद खानदानी शाप है, आपके बाप दादा
के ऊपर भी यही श्राप थे, वो भी कंगाल थे, वो भी गरीब थे, वो इस पॉवर्टी से निकल नहीं पाए, ये बहुत बुरी तरह आपके ऊपर है। लेकिन आज उसे याद दिलाओ, मैं पार इब्राहिम की आशीषों का वारिस हूं, मसीह यीशु में मैं सारी आत्मिक आशीषों का वारिस हूं, मैं स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ तमाम आत्मिक आशीषों में अधिकारी हूं। उसे याद दिलाओ, उसे याद दिलाओ। अगर वो कहता है कि नहीं तेरे बच्चे नाश हो जाएंगे, वो नहीं पनपेंगे, उन्हें बताओ मेरा वंश परमेश्वर ने क्या करा है, उस पर वो अपना आत्मा उंडे लेगा, मेरी संतानों पर परमेश्वर क्या उंडे लेगा, अपनी आशीष, अपना आत्मा, उसे जरा बताओ, उसे बताओ। आपकी सेवकाई नहीं बढ़ रही, आपकी कलीसिया नहीं बढ़ रही, उसे बताओ परमेश्वर मेरी भेड़ बकरियों को बहुतायत से बढ़ा देगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज परमेश्वर के वचन को जरा यहां पर लाओ तो ये फर्श आपको चुभना बंद हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये गद्दी आज लगाओ, इस गद्दी को आज लगाओ। वो कह रहा डुबा देगा ये पानी तुझे, नहीं मैं इसमें से होकर जाऊंगा पर ये मुझे नहीं डुबा सकते। इसराइलियों का विरोध वहीं शुरू हुआ, वो भटकते रहे सोच के देखिए 40 साल, और एक भी कनानी से उनका सामना नहीं हुआ। और जिस वक्त उनका पहला ब्रेक थ्रू उनके सामने था, यानी पहली गुलामी से निकल रहे थे मिस्र से, सबसे पहले लाल समुद्र उनका विरोध करने के लिए खड़ा था, और परमेश्वर ने लाल समुद्र जैसे बड़े समुद्र का घमंड तोड़कर उसे बीच में से फाड़ दिया। वो उस पार गए, 40 साल भटकते रहे, कहीं आप भी तो सिर्फ भटक ही नहीं रहे, क्योंकि जब तक कोई विरोध नहीं है तो इसका मतलब आप भटके हुए हैं। विरोध पता है कब आया? विरोध की निशानी है, अब उनके सामने यर्दन जैसी महानदी खड़ी हुई थी, बहुत बड़ी नदी, विशाल नदी, बहुत बड़ा दरिया यर्दन। परमेश्वर ने क्या करा? उसको भी उल्टा बहा दिया। परमेश्वर ने क्या करा? उसको भी उल्टा बहा दिया। विरोध आया, अब तीसरी सबसे बड़ा विरोध खड़ा हुआ था। जैसे ही अब कनान के अंदर दाखिल होने वाले थे, यरियो जैसी दीवार जो इतनी मोटी लंबी चौड़ी थी, अब वो उनका सामना करने के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन क्या हुआ? वो दीवार भी गिरी, पार हो गए, लेकिन अभी भी अब वहां के बड़े बड़े दानव जिनके सामने वो बताते थे कि हम टिड्डियों जैसे हैं, वो खड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? उन्हें भी उन्होंने क्या करा? ओवरकम कर लिया, उन पर गालिब आ गए, उन निर्बलों के द्वारा उन बलवानों को मरवाया, उन पर गालिब आए, उन पर वो जयवंत हुए। अभी तक कोई विरोध नहीं था 40 साल तक जब भटकते रहे, विरोध तो तब आया जब उस अपनी बरकत को, अपनी उस आशीष को, उसने अपनी उस महिमा, उस ग्लोरी को पाने ही पर थे। और खुदावंद मैं आपको खुशखबरी ये दे रहा हूं, आप पार जाएंगे, और उस पार महिमा है, उस पार रिवार्ड है। ये बार बार मैं ये कलाम इसलिए दे रहा हूं कि खुदावंद मुझे बता रहा, और हमेशा खुदावंद आपको मैं उम्मीद करता हूं कुछ नया सिखा रहा है इस कलाम में से। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आपके ख्यालात को, आपके विचारों को, आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाओं को बिल्कुल पाक और साफ कर दे, कि आप शैतान को खुदावंद के कलाम को रिमाइंड करवाएं, और आपके ख्यालात में, आपके विचार, आपकी सोच में सिर्फ परमेश्वर का वचन भर जाए। और वो जो अभी सर पे ये फर्श चुभ रहा है, गद्दी लगा लीजिए परमेश्वर के वचन की, यीशु के नाम से, कि आपके विचार सुरक्षित रहें, आपके थॉट्स, और आप तक वो पानी, वो जल ना पहुंचाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर आपने बहुत बरकत पाई होगी आज के कलाम से। इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में याद रखें, और इस प्रोग्राम को अपने तन मन धन से सपोर्ट करें। प्रभु आप सबको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।